हेलो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने इंडस्ट्री में एक बेहतरीन कॉमेडियन के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है। फैंस उनकी कॉमिक टाइमिंग के हमेशा दीवाने रहते हैं। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। राजपाल यादव उन सितारों में से एक है जो किसी भी तरह के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारने में माहिर है। हालांकि राजपाल यादव के लिए यह सफलता हासिल कर पाना आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की। राजपाल यादव ने शुरुआत से ही अपने निजी जिंदगी में कई सारी मुश्किलों का सामना किया है। उनका बचपन भी एक आम औसत वर्ग के परिवार में रहने वाले बच्चे जैसा ही बीता है। राजपाल यादव ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बचपन से जुड़ी उस बात का जिक्र किया था जब वह सिर्फ 5 रुपए में ही राजा बन गए थे। राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में अपने बचपन के किस्से को याद करते हुए बताया था कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। इसलिए उन्होंने राजपाल यादव का एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। गाँव से शहर जाने के लिए राजपाल और उनके बड़े भाई को ट्रक में बैठ कर जाना पड़ता था। उन दिनों उनके बड़े भाई को 1 रुपए मिलते थे। एक दिन राजपाल यादव की नजर एक लॉटरी वाले पर पड़ी। उन्होंने अपने बड़े भाई से 1 रुपए लिए और वह लॉटरी का टिकट खरीद लिया। अगले दिन जब स्कूल से आते समय वह दोबारा लॉटरी वाले के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें 65 रुपए का इनाम मिला है। इसके बाद राजपाल यादव ने उन 65 रुपयों में से 10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद ली और 50 रुपए उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया और 5 रुपए अपनी जेब में रख लिया। राजपाल यादव कहते हैं कि उन 5 रुपए में भी वह खुद को राजा समझ रहे थे क्योंकि तब उन्हें एक भी पैसा घर से नहीं मिलता था। राजपाल यादव ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। कॉमेडियन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के चर्चित टीवी सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने से की थी, जिसके बाद उन्हें कई टीवी सीरियल के लिए ऑफर मिलने लगे और उन्होंने काम भी किया। आइए जानते हैं राजपाल यादव जी से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, राजपाल यादव ने भारतेंदु नाट्य अकेडमी और नेशनल स्कूल लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी की। नंबर 2, साल 1957 में राजपाल यादव मुंबई की ओर रवाना हुए और टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की। नंबर 3, राजपाल यादव ने साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद राजपाल यादव ने जंगल, कंपनी, हम किसी से कम नहीं, हंगामा, मुझसे शादी करोगी, मैं मेरी पत्नी और वो, अपना सपना, मनी मनी, फिर हेरा फेरी, चुप चुपके और भूल भुलैया सहित कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। नंबर 4, राजपाल यादव को कोर्ट में गलत एफिडेविट फाइल करने की वजह से 2013 में 10 दिनों की जेल हुई है। नंबर 5, राजपाल यादव ने साल 2010 में अता पता लापता फिल्म के लिए दिल्ली के व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और वापस नहीं किया, जिसके कारण उन्हें 3 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। नंबर 6, राजपाल यादव ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी करुणा, जिनकी एक बेटी ज्योति है, ज्योति के जन्म के वक्त उनकी मां करुणा का निधन हो गया था। वही दूसरी पत्नी राधा, जो उनसे 9 साल छोटी है। राधा की भी एक बेटी है हनी, जो पिछले साल ही उन्होंने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी राजपाल यादव जी के फैंस में से एक हो या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।